मथुरा बिरला मंदिर मोहन नगर क्षेत्र स्थित कृष्ण कुमार जैन राशन डीलर की दुकान पर राशन लेने आए कार्ड धारकों ने उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्हें राशन डीलर द्वारा मिलावट की खाद्य सामग्री वितरण की जा रही थी। लोगों का कहना है कि राशन डीलर कृष्ण कुमार जैन के यहां से मिलने वाली राशन सामग्री में अनेकों कीड़े मकोड़े मिट्टी एवं पत्थर के टुकड़े मिले हुए हैं जो कि खाने योग्य नहीं है, फिर भी राशन डीलर द्वारा हमें इस प्रकार का अनाज और चावल बांटा जा रहा है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि आम जनमानस कोरोनावायरस नामक महामारी से मरे ना मरे, लेकिन इस प्रकार का गेहूं और चावल खाने से जरूर मर जाएगा। वहीं जब इस संबंध में राशन डीलर कृष्ण कुमार जैन से बात की गई तो उनका कहना है कि जैसा गेहूं और चावल मुझे गोदाम से दिया जा रहा है मैं वैसा ही वितरण कर रहा हूँ। अगर हम राशन विभाग की बात करें, जिला पूर्ति अधिकारी का यह कहना है कि जिस भी राशन डीलर के पास में अगर खराब गेहूं आ गया है तो उसे ना वितरण करें, उसके बदले अच्छा गेहूं ही वितरण करें, क्योंकि जो खराब गेहूं है वह राशन विभाग वापस ले लेगा, लेकिन राशन डीलर की मनमानी के चलते खराब गेहूं को ही वितरण किया जा रहा है। राशन लेने आई हो आप? राशन लेने आई है। किस जगह पे? लगन से। किस जगह पे आई हो? मोहन नगर में। मोहन नगर में। क्या नाम है राशन डीलर का? राशन डीलर को ये राशन में भाई साहब कीड़ा है, इसमें एक चावल मिली हुई है, मिट्टी मिली हुई है, एक और सबरे गेहूं सड़े हुए हैं। देखो एक क्या हो रहा है, मतलब ये खाने के मतलब के नहीं है? खाने के मतलब के नहीं है, भैंस को भी नहीं खाएंगे इसको, पशु को नहीं खा सकते, बीमार पड़ जाएंगे। आदमी कोरोना से नहीं मरेगा पर इस खाने से मर जाएगा। जी बताएं, अभी लोगों ने आरोप लगाया है कि यहाँ जो गेहूं मिल रहा है वो बिल्कुल मिलावट का मिल रहा है, जिसमें कीड़े और मिट्टी बहुत ज्यादा है। यहाँ कोई मिलावट का काम नहीं है, जैसे गोदाम से आता है वैसे ही माल दिया जाता है, सब पे सील सरकारी लगी हुई है, 3 साल से लेके 5 साल तक का पुराना स्टॉक है। अच्छा, जो लोग परेशान है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर पसंद नहीं आया तो बदल दो और ले जाओ।